दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना से मौत का कोई केस नहीं मिला है। वहीं राजधानी में मंगलवार को कोरोना से 24 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर एक्टिव केसों की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल 357 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक कुल 14,15,032 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राजधानी में कोरोना का पॉजिटिव रेट 0.08% है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान पूरी तेजी से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,14,547 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें से 42,752 लोगों को कोरोना का पहला टीका, जबकि 71,795 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका दिया गया है। कुल मिलाकर अब तक दिल्ली में 2,13,70,761 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से 1,33,64,562 लोगों को पहली डोज, जबकि 8,06,199 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में राजधानी दिल्ली बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। कोरोना के कारण दूसरी लहर में दिल्ली में लाखों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तो कम हो रहे हैं, मगर डेंगू का कहर जारी है। दिल्ली में डेंगू के मामले 5,270 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 6 सालों में दिल्ली में ये डेंगू के सर्वाधिक मामले हैं। नवंबर के शुरुआती 13 दिनों में दिल्ली में डेंगू के 3,740 केस सामने आए थे। वहीं अक्टूबर में डेंगू के 1,196 केस सामने आए हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।